सुप्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रश्न नंबर 5 तक लिखा था, ठीक है। अभी इसके जो आगे हैं वो है कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करें। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करें। चलिए, यहाँ पे पहला वाला जो है, सत्य के पथ पर चले हम सदाचारी बने, सदाचारी बने, यहाँ पे फुल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, एक लाइन छोड़कर लिखती हूँ ताकि अच्छा दिख सके, परहित हमारे कर्म हो हम परोपकारी बने, परोपकारी बने, ठीक है। ये हो गया फुल पॉइंट, ठीक है। अभी तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला जो है, ज्ञानी बने बलवान बने, ठीक है। हम भारत माँ की शान है, हम भारत माँ की शान है। इसके बाद चौथा वाला जो है, मातृभूमि की करे रक्षा देश के प्रहरी बने, ठीक है। ये हो गया पद्य पूर्ण। अभी आपको क्या करना है, इसके आगे जो है वो है, निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। देखिए, अभी मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगी, उसी तरीके से आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। वहाँ पे आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को, देखिए मेरा हैंड राइटिंग कैसे है, उसी तरीके से आपको भी लिखने के लिए सीखना है, कि विलोम शब्द लिखिए। कैन पहला वाला जो है यहाँ पे बुद्धि, बुद्धि का अपोजिट वर्ड है कुबुद्धि। कुबुद्धि, माफ कीजिए, पहला अक्षर है बुद्धि, दूसरा वाला अक्षर जो है सत्य, असत्य, एक हो गए अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। अभी है सदाचारी, अभी जो है तीसरा अक्षर सदाचारी सदाचारी दुराचारी सदाचारी दुराचारी, ठीक है। अभी चौथा वाला जो है, आदर अनादर,
पांचवा वाला जो है बलवान, उसका विरुद्ध शब्द है बलहीन। छठा अक्षर जो है ज्ञानी, अज्ञानी। ये हो गए विलोम शब्द। अभी है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मीन्स क्या बोलते हैं, सिनोनिमस वर्ड्स। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द से प्रभु। प्रभु मीन्स कौन है? प्रभु मीन्स गुरु, माफ कीजिए भगवान। ठीक है, उसके बाद पथ यानी क्या है, मार्ग, रास्ता। उसके बाद माँ, माताजी या माता। गुरु मीन्स क्या है, शिक्षक। ये हो गए सिनोनिमस वर्ड, पर्यायवाची शब्द। अभी है आगे, देखिए नीचे क्या लिखा है, किसी कार्य के सामने या होने की जानकारी देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं यानी कि उदाहरण के लिए वहाँ पे दिया है, देखिए अपने टेक्स्ट बुक में, माँ बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रार्थना। इधर देखिए, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे कर रहे हैं क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, मारिया बंदूक चला रही है। मारिया जो है पर्सन है, बंदूक है वस्तु है, और चला रही है ये क्रिया है। ठीक है, वे बाज़ार गए, गए वो भी एक क्रिया है। ये क्रिया यानी कि जो शब्द क्रिया को सूचित करता है, जो जैसे कि चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इस क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अभी ये देखिए यहाँ पे, उचित क्रिया शब्द द्वारा पूरे करे। मछली पानी में तैरना, मछली पानी में तैर रही है। यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए। हाँ, फर्स्ट वन जो है मछली पानी में डैश रही है। क्या कर रही है मछली पानी में? तैर रही है। दूसरा वाला जो है, राजू दूध डैश रहा है। क्या कर रहा है वहाँ पे, ब्रैकेट में क्या दिया है, पीना, पी रहा है। तीसरा जो है, बालक गाड़ी डैश रहा है, चला रहा है। फोर्थ वन जो है, फूल डैश रहे हैं, खिल रहे हैं। पांचवा जो है, केशव डैश रहा है, नहा रहा है। ठीक है, ये हो गए क्रियाओं का अभ्यास। अभी आगे जो है वचन। वचन क्या है,
वचन देखिए, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक या अधिक से होने वाले जानकारी होते हैं उसे हम शब्द, माफ़ कीजिए, वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए है, वहाँ पे दिया गया है, देखिए, बालक, बालके, बालकों, गुरु, गुरुजनों। उसी तरह कैसे यहाँ पे क्या है, पहला वाला जो है सब्जी, यहाँ पे क्या होता है सब्जियाँ, सब्जी या वहाँ पे है, देखिए ऊपर दिए गए हैं अक्षर। दूसरा वाला जो है, माफ़ कीजिए, दूसरा वाला जो है इधर तोता, तोते आते हैं। तीसरा वाला जो है ताला, ताले। चौथा वाला जो है लड़की, लड़कियां, लड़कियां, ठीक है। पांचवा जो है पुस्तक, पुस्तके, पुस्तके। छठा वाला जो है घोड़े, घोड़ियां, माफ कीजिए, घोड़ा है उसे घोड़े, ठीक है। ये हो गए शब्द। अभी आपको क्या करना है, इसको अपने टेक्स्ट बुक में उतारना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम नया वाला एक लेसन लेके मिलेंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद।